स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो अंजना ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो फुल वॉच करना फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है और देखिए बारिश हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इस टाइम भी झिमझिम की बारिश हो रही है। इधर देखिए सारा भीगा हुआ है, देखिए बादल किस तरह हुआ है। मौसम एकदम ख़राब है फ्रेंड्स, कल से बारिश हो रही है। फ्रेंड्स इस समय मैं हूँ छत पे, देखिए छत पे, देखिए खाना बनाने के लिए आई हूँ। इधर देखिए मैं आग भी जला चुकी हूँ, उधर चावल रखी हूँ, उधर दाल पकने के लिए। इधर अंधेरा फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग का सभी और बज रहा है इस समय अभी 6:05। मैं ले ली हूँ चावल, क्योंकि पानी रखी हूँ चूल्हे पे गर्म होने के लिए। चूल्हे पे पानी गर्म हो जाता है उसके बाद ही चावल डालते हैं। अभी मैं धो के डालूँगी। मैं पहले चावल धो लेती हूँ, क्योंकि चावल धोने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको रगड़ के धोना रहता है। अब मैं इसको फिर से धो रही हूँ, क्योंकि चावल को हमेशा 2-3 बार धोना चाहिए, इससे चावल एकदम फ्रेश हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, चावल धोने लगी थी और आग कहाँ तक आ गया है। चूल्हे पे इसलिए खाना बनाया तो हमेशा ध्यान दें, नहीं तो आग लगने का डर रहता है फ्रेंड्स। देखिए पानी गर्म हो चुका है, बाप को ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। खोल रहा है फ्रेंड्स, इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। फ्रेंड्स मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई है नहीं फ्रेंड्स। मैं मोबाइल एक हाथ में ली हूँ और एक हाथ से चावल डाल रही हूँ। अभी देखिए फ्रेंड, मैं दाल पहले ही रख दी थी, बारिश हो रही थी फ्रेंड, इसलिए सारा सामान बिखरा हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, आलू है जो कि मेरे खेतों में का है। इधर देखिए अभी बहुत सारे, इस बहुत ही कम ही खाना क्या है फ्रेंड्स, अभी पूरा आलू खेत में पड़ा हुआ है। बारिश हो गई, आलू का भी डर है कहीं ख़राब ना हो जाए, बारिश की वजह से आलू सारा सड़ जाएगा फ्रेंड्स। ये पहले खाना आया था, क्योंकि आलू ख़त्म हो गया था इसलिए। आज मैं आलू का बनाऊंगी फ्रेंड चोखा, क्योंकि बारिश हो रही है और ठंड भी है, ठंड में चोखा दाल चावल बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। इसमें रेड रेड आलू बन रही हूँ, ये देखिए ये वाला, इसका चोखा लगाऊंगी मैं चूल्हे में भूज कर। वो भी बच्चे लोग की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग अंदर उस रूम में सो रहे हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना आलू ले ली हूँ, आई भूजूंगी। देखिए फ्रेंड्स, बिट्टू जो आई है उस अपने जूते का लैस बांध रही है। बिट्टू देखिए फ्रेंड्स, मैं आटा भी गूंथ ली हूँ और तवा रख दी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। और देखिए चावल हो चुका है, दाल भी पकने एक दो सीटी और लगाऊंगी, इसके बाद दाल भी उतार दूंगी, इसके बाद मैं आलू भूजूंगी। और चूल्हे में ही टमाटर भी, इसको भी भूज दूंगी और भी टमाटर। सो फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि बाबू भी भूखा है, बाबू को दूध चाहिए रहता है हमेशा, तो दूध भी मैं बाबू के लिए गर्म करूँगी थोड़ी देर बाद। खाना बनाने के बाद नीचे जाती हूँ तो मैं बाबू के लिए दूध गर्म करती हूँ, उसके बाद उसको पिलाऊँगी। फ्रेंड्स, आप लोग को हमारी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, फिर से बारिश शुरू हो गई है, देखिए इसको ऐसे। आज बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पाएंगे और पूरा दिन परेशान करेंगे। इधर देखिए बिट्टू है, इसकी तो आज चांदी है। आलू डाली हूँ फ्रेंड्स भूतने के लिए, उसके लिए यहाँ पे देखिए है, नहीं तो इनका पता नहीं लगता। देखिए आलू खा रही है। और फाइनली फ्रेंड्स, मैं सारा रोटी बना चुकी हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए मेरा खाना बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, मैं चूल्हे में आलू डाली थी उसको देख लेती हूँ हुआ या नहीं। और ये देखिए मिर्ची, मिर्ची को मैं भूनूंगी चूल्हे में। फ्रेंड्स देखिए, आलू के लिए बच्चे लोग को देखिए, एक इधर एक वहाँ पे, इन सबको आलू चाहिए। मैं देख रही हूँ इधर चूल्हे में आलू डाली थी, ज़्यादा वैसे डाली थी बच्चों के वजह से फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं, ये लोग खाएंगे और मुझे चोखा भी बनाना है। फ्रेंड देखिए, बस इतना ही आलू हुआ है, बाकी सारा आलू अभी फिर से डाल दिए चूल्हे में क्योंकि नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मिर्ची भी भुन गया है, बस इतना ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो इसका स्वाद नहीं मिलेगा। और देखिए इस तरह से भूनना चाहिए क्योंकि ऐसे ही मिर्ची आप डाल देंगे तो फूट जाएगा, आप जल जाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक आलू भून रहा है मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बाबू रो रहा है और मुझे उसको भी देखना है और बाकी सारे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, इसलिए सो प्लीज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।